एक तरीके से प्रोग्रेसिवली काज कर रहे थे। वेरी थैंक यू। जेएनयू में हम सोशल साइंस का साथ बराबर हम टच में रहे थे। गोपाल जी दरभंगा के पंचोब गांव में जोरदार स्वागत सम्मान राज्यसभा सांसद संजय झा का हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी हैं, उनका दरवाजा है और यहां पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं जिनका जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। देख सकते हैं स्वागत सम्मान में पीछे खड़े हैं कमलेश मंडल हैं, जो बहेरी क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, जदयू के नेता हैं, झंझारपुर के प्रभारी हैं। यहां पर उनका जोरदार स्वागत सम्मान संजय झा का हो रहा है मिथिला पेंटिंग चादर से। उसके बाद मदन सहनी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में समाज कल्याण के कल्याण विभाग के और इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनका भी स्वागत सम्मान राजीव चौधरी ने अपने हाथों से किया है। इसी दरवाजे पर मन्नू चौधरी भैया जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने जोरदार स्वागत सम्मान संजय झा का किया है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने काफ़ी तारीफ मन्नू चौधरी भैया का किया है और यहीं पर अचार का भी लॉन्चिंग हुआ है। मिथिला टेस्ट का जो अचार है खासकर, उसका यहाँ पर लॉन्चिंग भी हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा काफ़ी खुश हैं और इस क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर इंटरव्यू सुनाएंगे संजय झा ने किया है, उसके बाद आपको बता दें इस क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे हैं, तमाम लोग इस जहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद राजीव जी जो मुखिया है उनके दरवाजे के बाद आदर्श टोल में रामाशंकर चौधरी के दरवाजे पर संजय झा का जोरदार स्वागत सम्मान झुनझुन चौधरी और उनके साथी और उनके खासकर जो कार्यकर्ता हैं या फिर उन क्षेत्र के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो सभी लोगों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया है। ये जो तस्वीर है वो मन्नू चौधरी भैया संजय झा को दुर्गा जी का जो रूप है खासकर कोनिया में बनाया गया है बांस के, वो भेंट कर रहे हैं। अब पूरा कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। बहादुरपुर क्षेत्र में ये जो मिलन समारोह कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर? ये मदन सहनी जी हम लोग के पार्टी के नेता, माननीय मंत्री बिहार सरकार है, इनका क्षेत्र है और हम लोग आज घूम करके लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कभी कभी इतिहास में कुछ चीज स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है, गोल्डन वर्ड्स में, तो ये काम स्वर्णाक्षर में लिखने वाला काम है, गोल्डन वर्ड में लिखने वाला काम है। तो सबको अपील करने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं वो आपके घर में आ रहे हैं, इतना बड़ा तोहफा लेके आ रहे हैं, तो पूरा बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में आप लोग आइए, यही इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं। थैंक यू सर। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, एम्स को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा दिन है बिहार के लिए, खास करके मिथिला क्षेत्र के लिए, और ये बिहार को दूसरा एम्स मिला और वो दरभंगा में इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहे, और मेरे ख्याल से मिथिला क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ लेकिन ये काम सबके आगे पहुंच गया, ये एम्स बनना, और ख़ास करके इस पूरा बेल्ट के लिए, दरभंगा ही नहीं पूरा मिथिला, नेपाल का तराई, सीमांचल का एरिया, मुजफ्फरपुर हो, कोई एरिया इस पूरा उत्तर बिहार का हो, कोई भी एक से डेढ़ घंटा से दो घंटा में यहाँ पहुँच सकता है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। ये जो बलिया बलिया पंचो पंचायत कहा जाता है, तो उसमें आपको हाईवे से बिल्कुल बगल में ये पड़ता है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब लोगों को दिक्कत होती थी, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पैरवी आता है एम्स में इलाज के लिए,
और वो सुविधा अगर घर में मिल जाता है, बगल में मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी DMCH को भी 2500 बेड का बनाने का घोषणा कर चुके हैं, उस पर काम चल रहा है। तो ये दोनों एम्स हो जाने से और इसके होने से पूरा एरिया का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा पूरा एरिया। सर, ये पूरा कार्यक्रम किस तरह का है, क्या जनसभा या फिर क्या? जनसभा होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस क्षेत्र के, समस्तीपुर के, दरभंगा के, मधुबनी के, सुपौल के, सहरसा के, सीतामढ़ी के, इस मुजफ्फरपुर के, शिवहर के, इस सब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहेंगे। ये एक मैंने बताया ना, ये पूरा इस इलाके का इतना बड़ा काम हुआ है। और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संभवतः आगे कार्यक्रम है झारखंड में, वहाँ चुनाव है, तो पहला कार्यक्रम करके वो झारखंड जाएंगे, तो सुबह 10 बजे ही कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि पटना से भी अलग एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है, क्या किस तरह का ये रहेगा? ये एम्स इसलिए बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का है, IIT दिल्ली इसका पूरा डिजाइन कर रहा है इस एम्स को। और ये स्टिल्ट पे पिलर के ऊपर ये एम्स बने, मतलब उसी के लेफ्ट पर वो लोग स्टडी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये एम्स जो मेरी जानकारी है बिल्कुल अलग तरह का बनेगा और बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन के साथ बनने जा रहा है। और ये एम्स बनने से इसका एक स्पेशलाइज पार्ट, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, भगवान ना करे कि कैंसर का जब प्रॉब्लम होता है, इसके लिए अन्य जगह जाना पड़ता है, उसका भी एक प्रॉब्लम अलग ये लोग करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा का पूरा एम्स जो है वो उत्तर बिहार का करीब करीब 6 से 7-8 करोड़ पॉपुलेशन, इस 8 करोड़ पॉपुलेशन और नेपाल का भी पार्ट पकड़ ली, उसके स्वास्थ्य के लिए लोगों को अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं से भी। मैं तो हिसाब जोड़ रहा था, कोई अगर सुपौल से आता है, कोई सहरसा से आता है, कोई सीतामढ़ी से आएगा, कोई समस्तीपुर से आएगा, 1 से 1.5 से 2 घंटा के अंदर आ जाएगा। और ये एम्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एम्स और एयरपोर्ट, ऑलरेडी प्लेन चल रहा, ये एम्स और एयरपोर्ट बन जाने से इस पूरा बेल्ट का, इस पूरे बेल्ट में पटना के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण एरिया कोई इमर्ज करने जा रहा है वो दरभंगा का ये पार्ट है। दरभंगा शहर अब सेचुरेट कर गया है, वो शहर कहाँ बढ़ेगा? अब नया जो शहर बनेगा, नया जो टाउनशिप, जो एक्सटेंडेड दरभंगा होगा, वो पूरा इसी बेल्ट में आकर के दरभंगा बनेगा। कोई आकर के यहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहे, यहाँ होटल आएगा, यहाँ बहुत तरह का रोजगार का एवेन्यू खुलने वाला है। अगले 5 साल में इस पूरा क्षेत्र का काया पलट होने वाला है। अब मैं तो लोगों से भी अपील करता हूँ कि जमीन का वैल्यू कितना बढ़ गया, बताइए ईमानदारी से, सरकार इतना काम कर रहा है और वैल्यू बढ़ेगा, अभी मत बेचिएगा भाई। एम्स का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को करने वाले हैं, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा और आसपास के लोग आवे और वह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना बड़ा सौगात दरभंगा जिला के लोगों को दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हम लोग भी इस काम के लिए उनको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी पीछे नहीं हैं। और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उसी के लिए हम लोग अपने खराजपुर गांव में और अभी 10-15 गांव में और भी जाएंगे, लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे, हकार देंगे कि आप उस कार्यक्रम में आइए और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री संजय झा जी के बात को सुनिए। बड़ा कार्यक्रम है, सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग बड़ी संख्या में आएंगे और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। आप जगत नारायण चौधरी जी से आग्रह करें जो वो मनोज चौधरी से आग्रह करें, मनोज चौधरी से आग्रह करें जो डॉक्टर राम कुमार पासवान जी के
अन्य वस्त्र से सम्मानित करते मनोज कुमार चौधरी ने। गर्म था और जब एम्स का निर्माण का चर्चा किसी अन्य जगह पर हो रहा था, झाजी आयल इनका संगे बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री बहादुरपुर के विकास पुरुष आदरणीय मदन साहनी जी उपस्थित छथि। इनका संगे डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, गोदाई पट्टी के मुखिया उदय कुमार चौधरी जी, सुमन जी बहादुर दियू के अध्यक्ष राम नरेश भगत जी, ये सब आदमी आयल छथि। सब गोटे के पंचों में एम्स शिलान्यास कार्यक्रम के तहत जन जागरण अभियान के जे चल रहा है, ताइ में हम चूंकि भारत सरकार के राज्यसभा सदस्य श्री संजय कुमार झा जी पंचों में आयल छथि, हम आग्रह करब झुनझुन साहब सब जो आदरणीय राज्यसभा सदस्य सर मिथिलांचल के विकास पुरुष डॉक्टर संजय कुमार झा जी के मिथिलांचल सोशल साइंस का इनका साथे बराबर हम टच में रहे गोपाल जी।